तो दोस्तों वीवो ने अपना नया एक बजट रेंज के स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जो कि वीवो Y21e आपको देखने को मिल जाती है। जो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको फुल स्पेसिफिकेशन इसका शेयर करने वाला हूं और साथ ही में इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं Vivo Y21 की डिस्प्ले की। तो दोस्तों इसमें आपको 6.51 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। HD प्लस की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। 800 nits की ब्राइटनेस लेवल, 16M कलर रिप्रोडक्शन और 270 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों डिस्प्ले देख लिया जाए तो आपको प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अदर ब्रांड में अगर आप इसी प्राइस रेंज पे स्मार्टफोन देखिएगा तो डिस्प्ले आपको बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आपको 800 nits और 401 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। मतलब डिस्प्ले की जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप अदर ब्रांड में देखिएगा तो। और आपको यहां पे Vivo Y21 में उस तरह की देखने को नहीं मिल रही है। डिस्प्ले आपको थोड़ी लो क्वालिटी की इसमें देखने को मिल रही है प्राइस रेंज के हिसाब से। सो दोस्तों बात कर लेते हैं Vivo Y21e की परफॉर्मेंस की, इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, प्रोसेसर कौन सी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों प्राइस रेंज के हिसाब से आपको स्मार्टफोन में प्रोसेसर जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। Qualcomm Snapdragon 680 की प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। नंबर ऑफ कोर 8 देखने को मिल रही है। आर्किटेक्चर 64 बिट पे देखने को मिल जाती है। अदर जितने भी स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर लगभग आपको इसमें सेम ही देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस आपकी जो है इस स्मार्टफोन की अच्छी होने वाली है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पे आपकी स्मार्टफोन वर्क करने वाली है। फ्रंट टच OS आपको 12 देखने को मिलने वाली है। परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों स्मार्टफोन आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन रैम वेरिएंट इसमें आपको 3GB की मिल रही है और अगला अगर आप किसी और ब्रांड में देखिएगा तो आपको 4GB की रैम वेरिएंट देखने को मिल जाती है। मतलब फोन आपके कहीं कहीं पे जो है लैग करने वाली है Vivo Y21e। अदर ब्रांड में अगर आपको 4GB की रैम वेरिएंट इस जगह पे देखने को मिलती तो आपको फोन जो है बेहतरीन होने वाली थी इस प्राइस रेंज के हिसाब से, जो कि आपको सामने निकल कर के आई है। गेमिंग एक्सपीरियंस आपकी अच्छी होने वाली है Vivo Y21e के साथ, लेकिन हीटिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं अब कैमरे की फोटोग्राफी के लिए। तो दोस्तों इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें 13 MP की आपकी प्राइमरी सेंसर है और 2 MP की आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाती है। उसी जगह फ्रंट की अगर बात कर लिया जाए तो फ्रंट में 8 MP की आपको सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं फोन में बैटरी कितनी देखने को मिल रही है। तो 5000 mAh की बैटरी मिली है, जिसे चार्ज करने के लिए 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस रेंज की। तो दोस्तों प्राइस रेंज जो इसे लॉन्च करी गई है वो आपको 12,990 रुपए में देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइस रेंज आपको सही देखने को मिल रही है, लेकिन डिस्प्ले थोड़ी और अच्छी होने वाली थी और साथ ही में कैमरा क्वालिटी भी जो है इसमें आपको और अच्छी देखने को मिलने वाली थी। अदर ब्रांड में देखिएगा तो डिस्प्ले भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, कैमरा भी अच्छी देखने को मिल जाती है और परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी देखने को मिल ही जाती है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।